तो मालूम हो गए। थैंक यू लुता साहब, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। सुनीति बाहर आओ। सुनीति तुम फिक्र मत करो, हम हैं ना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पापा आप मुझे एक बात बताइए, आप सुनीति के किए की सजा खुद को क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि गलती मेरी, मुझे उस पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था। तुमने कितनी बार मुझे समझाया लेकिन मैंने तुम्हारी एक नहीं मानी। क्या अब आप मेरी एक बात सुनेंगे? कहो। आप माँ को लेकर कहीं कुछ दिनों के लिए घूम आई? मैं भी यही सोच रही थी, कुछ दिनों के लिए आप ऑफिस से बाहर रहेंगे तो इन सब बातों को भूल जाएंगे। लेकिन रोहिणी मैं ऑफिस से आज तक कभी दूर गया ही नहीं हूं। इस तरह कभी मैं भी तो नहीं थी ना आपके ऑफिस में। पापा मैं सारा काम संभाल लूंगी, अगर आपको मुझ पर भरोसा हो तो। हेलो, विजय सिंघानिया स्पीकिंग। छुड़ा लिया अपनी लाडली को जमानत पर। मुझे मालूम था, मालूम था मुझे कि ये सारा किया धरा तेरा ही है, और अब तो मुझे पक्की तौर पर यकीन भी हो गया है कि बहुत अच्छी बात है कि तू मेरे बेटे की शादी को कवर नहीं कर रहा है। और अब कुछ महीनों के लिए तू मुझसे दूर ही रहना, मेरी निगाहों के सामने आने की गुस्ताखी मत करना, क्योंकि अगर कहीं तू आ गया तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। किसका फोन था? क्या बात है पापा? इस लड़की ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा। पता नहीं किसने उसकी जमानत करवा ली और विक्रांत समझ रहा है कि मैंने उसे छुड़वाया। तो क्या सुनीति छूट गई? मैं जानती हूं किसने करवाई होगी उसकी जमानत। जगन लूथरा के सिवाय और कोई हो ही नहीं सकता। पापा आप विक्रांत खन्ना को फोन करें और उसे कहिए कि सुनीति के घर जाके देखें, वहीं बैठा होगा वो जगन लूथरा, पार्टी चल रही होगी वहां उनकी जीत की खुशी में। लोगों को जो करना है कर रहे थे, उसे फोन करके मैं उसके लेवल तक गिरना नहीं चाहता। इससे बेहतर है मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता हूं। ठीक है पापा, मैं सब अरेंजमेंट्स कर लूंगी। कहिए कहां जाना चाहेंगे आप?